नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति सिंह आपका फिर से टारगेट विद आलोक ऑनलाइन के मंच से स्वागत करती हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला के साथ जो यूपीएसआई के लिए एकदम रामबाण है। हमने संघ और संसद को उनके सदस्यों के बीच के जो क्वेश्चन हमेशा हमारे सामने आते हैं उनको लेकर एक श्रृंखला बनाई है। वो श्रृंखला जो हमने बनाई है वो आपको यूपीएसआई में हर जगह दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे। इसीलिए हमने ऐसे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है जो कई बार रिपीट हुए हो। अब देखिए, ये क्वेश्चन की जो श्रृंखला है, मैं बार बार बोल रही हूं कि यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब वन डे की वो टॉप लेवल का एग्जाम, जो भले हम यूपीएसआई का नाम दे रहे हैं लेकिन वन डे के सारे एग्जाम में ये अचूक कार्य करते हैं। तो ये क्वेश्चन की श्रृंखला आरंभ की जाए और देखा जाए कि वास्तव में जो इसकी व्याख्या है, जो ये क्वेश्चन है, कितने हमारे लिए कारगर है। इस समय घर में रहकर, बैठकर घर में एक ऐसे समय का सदुपयोग किया जाए जहां हमें ये लगे कि हम अपने लक्ष्य की ओर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यही सोचकर हमारी संस्था ने कोशिश किया है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास जाते रहेंगे, आप इन पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी लगेगा हमारे आपके बीच की दूरी कम है। क्योंकि माहौल बहुत खराब है, समय परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए घरों में सुरक्षित रहना और ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। आइए देखिए, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो, जब उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है, वह कौन सा अधिकार है, वह कौन सा अधिकार है। तो याद रखिएगा, पहली बात मैं बता दूं कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति की सारी शक्तियों को समाहित करता है। उसी प्रकार जब उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के पद के कार्यवाहक कार्यों की पूर्ति कर रहा होता है तो लोकसभा अध्यक्ष के सारी शक्तियों को खुद में समाहित किए हुए होता है। इस बात को याद करके तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकता है, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, अध्यक्ष की अनुपस्थित में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को कहा गया है कि जब सदन में किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर कोई ऐसा बात है जो कि बराबरी के मत पर चल रहा हो तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। निर्णायक मत देने का अधिकार अगर मेरे यूपीएसआई स्टूडेंट देख रहे हो तो अभी रिसेंटली मैंने बताया 1773 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो परिषद थी वो 4 सदस्यों की थी जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाते थे और निर्णायक मत की अवस्था में गवर्नर जनरल को बहुमत अगर बराबर है तो निर्णायक मत का अधिकार था। वही है, मत बराबरी की अवस्था में उपाध्यक्ष मतदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय वो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे। ये कौन कह रहा है? ये अनुच्छेद 195 ने बताया है, 195 के खंड 1 के द्वारा बताया गया है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन कर रहा होता है तो वो क्या करता है, तो वो उनकी सारी शक्तियों का निर्धारण अपने में समाहित कर लेता है और मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो याद रखिए, प्रोटेम स्पीकर क्या है इस पर चर्चा करते हैं। पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को, इनमें से किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा? तो याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किसे नियुक्त किया जाता है? तो जो नव निर्वाचित लोकसभा
कि वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को निर्धारित किया जाता है। कौन नियुक्त करता है? तो इनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त किया जाता है। जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य है वही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है। सदस्य के रूप में ही वो शपथ ले रहा है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है। किस लिए किया गया है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? क्वेश्चन थर्ड है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? स्पीकर की अनुपस्थित में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है सदस्यों को शपथ दिलाना। तीसरा, स्थानापन्न रूप से स्वीकार का कार्य करना। जब स्पीकर स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना, जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है। तो याद रखिए, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? प्रोटेम स्पीकर, मैंने बताया कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य हैं। ये सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। इनका कार्य क्या है? सदस्यों को शपथ दिलाना। जो नव निर्वाचित लोकसभा के सदस्य बन के आए हैं उन्हें शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना, यानी चुनाव में मदद करता है। क्या क्या कार्य कर रहा है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवा रहा है, सदस्यों को शपथ दिला रहा है। जब ये कार्यवाही हो जाती है तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर केवल यही कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे ही ये कार्य संपन्न हो जाते हैं, उसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो सदस्यों को शपथ दिलाना कौन सा ऑप्शन है? बी सही है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। बस सिंपल भाषा में जान लीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। तो याद रख लीजिए कि कार्यकाल बढ़ाया कब जाता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आपको यही बता दें। लोकसभा का कार्यकाल, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। 1971 से लेकर 1977 तक चला था, अर्थात 76 5 वर्ष का तो होता है लोकसभा का कार्यकाल। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 1971 के समय 5वीं लोकसभा 6 वर्ष के लिए चली थी। क्यों चली थी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, क्यों था? कहा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल क्या किसी परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान क्या होता है? एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। पीछे हमने देखा कि 5 वर्ष होना चाहिए, 6 वर्ष हो गया। इसका मतलब जब जब आपातकाल की कंडीशन बनेगी तब तब लोकसभा का कार्यकाल वर्ष में, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। अगर मान लीजिए अब आपातकाल प्रवर्तन में नहीं रह गई, आपातकाल के समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, अर्थात 5 वर्ष का होता है, तो अब लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। मान लीजिए अब आपातकाल प्रवर्तन में नहीं है और आपातकाल रद्द कर दी गई, तो अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा। अधिकतम
छह माह के लिए बढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा, इसका मतलब एक बार में आपातकाल की कंडीशन में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि पांचवी लोकसभा के समय बढ़ाया गया। 1971 से लेकर 1977 तक उसका कार्य चला। और मान लीजिए जब आपातकाल प्रवर्तन में नहीं होता, अर्थात आपातकाल लागू नहीं रह जाता, तब मैक्सिमम 6 मंथ के लिए बढ़ाया जाता है। क्लियर है ये? इसका मतलब सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का सही है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी होगी? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 100 का खंड 3 कहता है, अनुच्छेद 100 का खंड 3 कहता है कि कुल सदस्य संख्या का सदन में जो संख्या है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग इसका कोरम होता है। अगर वो उपस्थित नहीं होते तो किसी भी कीमत पे लोकसभा और राज्यसभा अपने कार्य का आरंभ नहीं करते, अपने कार्य का आरंभ नहीं करते। इसलिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग अनुच्छेद 100 का खंड 3 कह रहा है। यानी गणपूर्ति संख्या कितनी है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? राज्य विधानसभाओं में पूछ रहा है, तो याद रखिए अनुच्छेद 333 में कहा गया है कि यदि राज्यपाल को प्रतीत होता है, यदि राज्यपाल को प्रतीत होता है, राज्यपाल को लगता है कि संबंधित समुदाय का विधानसभा में कहीं भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे समुदाय को ऐसे विधानसभा में कोई एक सदस्य का नाम निर्देशित करके राज्यपाल क्या करता है, उस समुदाय को उस राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, उस समुदाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 333 के माध्यम से करता है। यह राज्यपाल की राय में होता है, राज्यपाल को प्रतीत होता है कि ऐसा समुदाय विधानसभा में अपनी पर्याप्त प्रतिनिधित्वता को लिए हुए नहीं है, तब राज्यपाल किसी एक सदस्य का नाम निर्देशित करता है। तो आंसर कौन सा सही है? डी सही है क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 9 देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत सरकार को जो कि क्या कहलाता है, प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है, कौन? अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 खंड 2 कहता है कि महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी, और ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। इसी के लिए शब्द आता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी अपना पद धारण करता है। राज्यपाल महान्यायवादी दोनों के लिए आता है, राज्यपाल और महान्यायवादी दोनों के लिए आता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। क्लियर है ये? अब देखिए इसका आंसर कौन सा सही है? 9 का आंसर ए सही है, अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? निम्नलिखित में ऐसा कौन है जिसे भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी न्यायालय है, प्रत्येक न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है? महाधिवक्ता को है, महान्यायवादी को है, अतिरिक्त महाधिवक्ता को है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, महाधिवक्ता तो राज्यों का होता है, इसलिए ये कौन है? तो महान्यायवादी है। कौन है? महान्यायवादी है, जिसको क्या कहा गया है, भारत के
किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय के में जाकर सुनवाई करने का अधिकार है, जाकर सुनवाई करने का अधिकार है, अर्थात भारत सरकार के पक्ष को रखने का अधिकार है, भारत सरकार के पक्ष को रखने का अधिकार है। किसे? भारत के महान्यायवादी को। अब क्वेश्चन देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? अब देखिए, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्याय अभिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसमें कौन होगा? एडवोकेट जनरल की हिंदी होती है महाधिवक्ता। क्या होती है? महाधिवक्ता होती है। क्लियर है? अब देखिए, जिस प्रकार संघ में, केंद्र में राष्ट्रपति कानूनी विषयों पर सलाह के लिए अपना एक विधिक अधिकारी रखता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल रखता है। राज्य में राज्यपाल नियुक्त करता है किसे? महाधिवक्ता को। अनुच्छेद 165 में कहा गया है, अनुच्छेद 165 में कहा गया है, खंड एक में कहा गया है, राज्य में जो राज्य का राज्यपाल है वो राज्य के कानूनी विषयों पर सलाह के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, और ऐसा महाधिवक्ता कानूनी विषयों पर, 65 खंड 2, ऐसा महाधिवक्ता कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को अपनी परामर्श देता है। अब देखिए क्या है, ऐसा महाधिवक्ता हाई कोर्ट में अर्थात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने की जो योग्यता रखता है उसे ही चयनित किया जाता है। जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, राज्यपाल द्वारा ऐसे ही व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, राष्ट्रपति द्वारा ऐसे ही व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। ऐसा महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, इसलिए कहा जाता है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और ये भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। क्लियर है? आंसर कौन सा सही है? तो बी सही है, 11 का। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखागार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखागार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, तो याद रखिए, लोक लेखा समिति एक ऐसी समिति है जिसके कार्यवाहियों की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों की मध्यस्थता कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, इसीलिए इसे लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, सही है। लोकसभा में बोल सकता है, सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है। सोच के बताइए, क्या लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 88 में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत के कोई भी मंत्री महान्यायवादी किसी भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में बोल सकते हैं। कहा जाता है
लेकिन लोकसभा में मतदान का अधिकार भारत के महान्यायवादी को नहीं है। लोकसभा में मतदान का अधिकार अकेले किसे नहीं है? भारत के महान्यायवादी को नहीं है। और इसके अलावा जो उस सदन का सदस्य नहीं है वो सब कर सकता है, लेकिन मतदान उस सदन में नहीं कर सकता। तो क्या है ये, कौन सा सही होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर सही है सी। इसका आंसर सी सही है। भाग भी ले रहा है, समिति का सदस्य भी है, अपनी बातें रख भी सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर मतदान नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन 13 का आंसर कौन सा सही है? सी सही है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 81 खंड 3 में कहा गया है, 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित हुई हैं। इसका मतलब मुख्य आधार कौन सा है? तो जनसंख्या मुख्य आधार है, जो क्या कर रही है, तो जो 1971 की जनगणना को मानक बनाकर राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित करती है, एक बात। दूसरा, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह भी तय कर दिया गया है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह भी तय कर दिया गया है कि ये 1971 की जनगणना का आधार, जो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं, ये 2026 तक यथावत बनी रहेंगी, 2026 तक यथावत बनी रहेंगी। तो याद रखिएगा, ये क्या है, अभी 2026 तक ऐसे चलना है। पहले था कि 2000 में समाप्त करने की बात आई थी, लेकिन अब 2026 तक किसने कहा, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा, कि ऐसी जनसंख्या के आधार पर, जो जनगणना के आधार पर सीटें हैं, अभी पूर्ण रूप से उसी प्रकार चलती रहेंगी 2026 तक। क्लियर है ये, जनसंख्या के आधार पर। आधार कौन सा है? 1971 की जनगणना। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, अब उन वक्तव्यों में से हमें देखना है। कथन, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कथन क्या कह रहा है? संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। फिर आर कह रहा है, कारण राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। क्लियर है ये? भाई संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 ने कहा तो है, संघ की कार्यपालिकी शक्तियां, संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। फिर अनुच्छेद 74(1) ने यह भी तो कह दिया, ऐसी शक्तियों के होते हुए भी राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन, ऐसी संघीय शक्तियों के होते हुए भी राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन किस आधार पर करेगा? राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। क्लियर है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये गलत है। वो शक्तियों की सीमा कहाँ है? वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है। इसलिए ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है। संघ की कार्यपालिकी शक्तियां तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा, भैया मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है, 74(1) कर रहा है, इसलिए इसकी सीमा कहीं ना कहीं बाधित है। क्लियर है ये? यानी आंसर कौन सा सही है? सी सही है। 16 देखिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा,
लोकसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अप्रत्यक्ष रीति से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो इसमें क्या सही है? अप्रत्यक्ष मतदान है 16 का आंसर। क्या सही है? डी सही है, जो बता रहा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और अप्रत्यक्ष मतदान से इसका चुनाव किया जाता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 71 खंड 1 में कहा गया है, कि राष्ट्रपति के चुनाव में, ऐसे समझिए, सिंपल बात आपको बताएं, ये तो अनुच्छेद 71 खंड 1 कहता ही है, लेकिन इसको दूसरे और सिंपल भाषा में समझ लीजिए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामला विवादित है, ऐसे विवादों का निर्णय एकमात्र कोई करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, और उसका जो निर्णय होगा वो विनिश्चय होगा और अंतिम होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का जो भी निपटारा करेगा, कौन करेगा? तो अपने अंतिम निर्णय के साथ खड़ा होगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर था, किंतु उसकी योग्यता को लेकर कोई विवाद हो गया और अब उसे उस पद से हटाया जाना है, अब उसे उस पद से हटाया जाना है, तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, निर्णय माना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस व्यक्ति को इस पद से हटा दो क्योंकि ये योग्य नहीं था। किंतु मान लीजिए उसने 1 साल, 6 साल, 2 वर्ष जितने पद पर रहकर कार्य किया है, वो कार्य किसी भी कीमत पर अवैधानिक नहीं होंगे, वो कार्य मान्य होंगे। क्यों? क्योंकि 74 का खंड 1 ही कहता है कि भारत का राष्ट्रपति स्वतः कोई कार्य नहीं करेगा, जब भी करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, तो वो कार्य मान्य हो जाएंगे और ऐसा व्यक्ति अवैधानिक घोषित होकर हटा दिया जाएगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास एकमात्र अधिकार है ऐसे विवादों के निपटारे का, और ऐसा निर्णय अंतिम और विनिश्चय निर्णय माना जाता है। क्लियर है ये? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देखता है? हमने पहले ही बताया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। अनुच्छेद 56 का खंड 1 कहता है, जब भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति का एक कर्तव्य है कि वो इस बात की सबसे पहली जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को दे। वो इस बात की सबसे पहली जानकारी किसे दे? लोकसभा अध्यक्ष को दे। तो कौन दे रहा है? उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। अनुच्छेद 61 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जो कब आती है? तो केवल एकमात्र आधार है, केवल एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण। जब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तब अनुच्छेद 61 लाकर सदन संसद क्या कर सकती है, राष्ट्रपति के विरुद्ध कार्यवाही करके उसे उनके पद से हटा सकती है। क्लियर है? मात्र भारत में एक ही आधार है, उनके पद से हटाने के पूर्व संविधान का अतिक्रमण क्यों? क्योंकि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, संविधान के संरक्षक कहलाते हैं राष्ट्रपति, और उसका अतिक्रमण कर देने का मतलब कि इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध कार्य किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों की विधानसभाएं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मदद करती हैं। जब जब भारत के राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है तो उसकी पहली ही शर्त होती है कि एक निर्वाचक गण बननी चाहिए। ऐसा निर्वाचक गण ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। जो निर्वाचक गण बनता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इस टाइप के जो भी निर्वाचक गण बनते हैं, वही निर्वाचक गण क्या करता है, चुनाव कराता है। उन्हीं के द्वारा जो चुनाव होता है तब जाके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद हमको मिलता है। मान लीजिए सवाल ये हो कि कभी किसी परिस्थिति में निर्वाचक गण में कोई एक पद, कोई एक सदन खाली है, कुछ एक पूर्ति नहीं हुई है और तब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव रोक दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। भले निर्वाचक गण में कोई एक पूर्ति की कमी है तो भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। चुनाव होगा, निश्चित समय पे होगा। तो राज्यों की विधानसभाएं निर्वाचक गण का तो भाग होती है किंतु महाभियोग का नहीं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? भाई राष्ट्रपति नहीं है तब तो उपराष्ट्रपति संभालता है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, और अगर मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है तो भारत में उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो संभालेगा। किंतु किसी भी कीमत पर यह पद खाली नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के सारे कार्य इन्हीं के नाम से होते हैं और यह भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। कब आहूत की जाती है? जब किसी विधेयक को पारित कराना है और ऐसे विधेयक के पारित होने में दोनों सदनों में विवाद हो गया, आपसी गतिरोध हो गया, तो उस विधेयक को जिसे पास कराना अनिवार्य है, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है, उन्हें अपने विचार के द्वारा समझाता है, समझाने के बाद उस विधेयक को पारित कराता है। इसीलिए संयुक्त बैठक लाई जाती है। कब? जब विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तब। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को आहूत करता है किंतु अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर है ये? संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो याद रखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी मतलब अध्यादेश, आदेश, ये सब लागू करना, विधायिका से संबंधित। तो अनुच्छेद 123 कहता है, जब दोनों सदन सत्र में ना हो, जब दोनों सदन सत्र में ना हो अथवा कोई एक सदन सत्र में हो, तो राष्ट्रपति के सामने गंभीर समस्या आ जाए कि किसी विषय पर किसी भी प्रकार का निर्णय आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर देता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक विधेयक है जिसे पारित होना है, तो हम लोग भी जानते हैं कि ऐसा विधेयक पहले किसी एक सदन से, मान लीजिए लोकसभा से पारित होगा, एक प्रस्ताव पारित होकर विधेयक अथवा कानून बनना है, तो आप और हम सब जानते हैं कि वो किसी एक सदन से पारित होगा, अर्थात या तो लोकसभा से पारित हो अथवा राज्यसभा से पारित हो, किसी एक सदन में रखा जाएगा। मान लीजिए ऐसा विधेयक लोकसभा में पहले रखा गया, अब उसे राज्यसभा से भी पास कराना होगा, तो राज्यसभा से भी पास कराने के बाद
प्रेसिडेंट हस्ताक्षर करता है तब वो विधेयक बनता है, फिर वो विधेयक कानून का रूप लेकर हर जगह लागू हो जाता है। अगर कोई एक सदन है, मान लीजिए लोकसभा नहीं है राज्यसभा है, अथवा राज्यसभा नहीं है लोकसभा है, तो भी तो दूसरे सदन के बाद ही तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा। तो या तो दोनों सदन सत्र में ना हो अथवा कोई एक सदन सत्र में ना हो, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर देता है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के माध्यम से लागू अध्यादेश क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। कैसे? अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया, और संविधान का अतिक्रमण किया गया तब कोई भी सदन ऐसी कार्यवाही कर सकती है, लेकिन ऐसी कार्यवाही से पूर्व 14 दिन पूर्व एक लिखित सूचना राष्ट्रपति महोदय को दी जाएगी, और ऐसी लिखित सूचना देने के बाद जब मान लीजिए किसी सदन में कार्यवाही आरंभ होती है, तो वो सदन क्या करता है, उस सदन में कार्यवाही होने के बाद जब दूसरे सदन को भेजा जाता है तो दूसरा सदन उस पर अपनी कानूनी कार्यवाही करता है, अर्थात कुछ लोगों की एक समिति बना देता है जिसपे कानूनी विचार विमर्श होता है। इस दौरान अपनी बात को रखने के लिए राष्ट्रपति उस सदन में या तो स्वयं मौजूद होता है अथवा किसी प्रतिनिधि को अपने किसी जो उस राष्ट्रपति की तरफ से बात रखे उसको भेजता है। और मान लीजिए ऐसे सदन में भी ये सही पाया गया और सदन ने भी दूसरे सदन ने भी पारित कर दिया, तब जाके राष्ट्रपति उस दिन से अपने पद पर नहीं रहता। क्लियर है? ये कोई भी सदन ला सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का मामला होगा तो केवल और केवल राज्यसभा पे आएगा। क्लियर है? ये राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है क्वेश्चन है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 82 खंड 2 कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल के पूर्ण होने के पूर्व ही समाप्त कर देता है। अर्थात लोकसभा अस्थाई सदन होता है जो 5 वर्ष की तो होता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध अगर अविश्वास आ जाए अथवा मंत्रिमंडल अनुशंसा लिख कर दे दे, तब राष्ट्रपति क्या करता है, समय से पूर्व ही लोकसभा को भंग कर देता है। ये यूपीएसआई के लिए हमने बहुत चुनिंदा प्रश्नों को लेकर ये श्रृंखला बनाई है, जो आपके लिए मुझे पता है एक अचूक रामबाण है, जो आपके कैरियर के लिए आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छा सहायक साबित होगा। और हमने यही सोच के ये श्रृंखला लाया है, और कोशिश यही की गई है कि इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन की श्रृंखला हमारे कोचिंग संस्थान से हमेशा होता रहेगा, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि आप घर में भी बैठ कर ऐसे क्वेश्चन को हल करके अपने तैयारियों को नियमित रूप से बनाए रखें। धन्यवाद।